बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों का मौसम हो तो ऐसे में आइसक्रीम जो है वो सबकी फेवरेट होती है, वैसे ही बच्चे जो हैं बहुत शौक से खाते हैं। तो आज हमने बनाई है मैंगो आइसक्रीम माशाल्लाह से, और ये बहुत ही परफेक्ट बनी है, और जो बाज़ार से लेके आते हैं उससे बहुत अच्छी बनी है। तो बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम जूसर मशीन के अंदर जग के अंदर आम डालते हैं, छील लिया अच्छे तरीके से, बल्ब जो है वो निकाल लेते हैं बर्तन के अंदर। और ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा आम बनते हैं, दो आम थे बड़े साइज़ के। आइसक्रीम जो है वो सारे का सारा काम जो है वो हम जूसर मशीन में ही करेंगे। तो पल्ब हमने जो है वो आम का बना लिया, और अभी इसी जूसर मशीन में हम तकरीबन 300 ml के करीब जो है वो क्रीम डालेंगे। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। पैकेट जो है एक पैक है ये 200 ml का हमारे पास, और ये तकरीबन डेढ़ जो पैक है वो हम इसमें डालेंगे। तो अभी इसमें हमने शामिल करना है कंडेंस मिल्क। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप दूध जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो गर्म दूध होता है उसे ठंडा करके उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंडेंस मिल्क बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल जो दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क जो है वो घर में भी आसानी से बन जाता है, उसकी रेसिपी भी जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। एक चाय का कप जो है घर में आम होता है तकरीबन, वो हम डालेंगे इसमें। अभी जो पल्प है वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप घर में जो दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आपको फिर थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी निकालते हैं। ऊपर से ढाँप देंगे, तकरीबन 11 से 12 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे फ्रिज के अंदर, और उसके बाद इंशाल्लाह चेक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम जो है वो हमने निकाल ली है माशाल्लाह। आते हाँ ना ना बेटा, आइसक्रीम का मजा आया? क्या तुझे जिंदाबाद मुनीर, मजा आया? मजा आया। तो बच्चे हो गए खुश, और आइसक्रीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है, मज़ेदार बनी है। मैंने खुद भी चेक की है, तो आसानी से आप बना सकते हैं घर में, और ये बाज़ार से जो मिलती है उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी जो आप घर में तैयार करेंगे, और बहुत ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।